हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर। और दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन देखा था और साथ में ये भी देखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। आज दोस्तों, हम इसका जनरल फॉर्म देख रहे हैं। पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि जब लीनियर प्रोग्रामिंग पर हम काम करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि एक लीनियर फंक्शन होता है हमारा वेरिएबल्स का, और सेकेंड थिंग होती है हमारे कंस्टेंट या फिर रेस्ट्रिक्शंस। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है, इसकी ऑप्टिमल वैल्यू निकालने के लिए हम या तो इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू निकालते हैं या फिर इसकी मिनिमाइज वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम हो सकती है या फिर मिनिमम। ये हमारे एक लीनियर फंक्शन पर डिपेंड करता है, जिसमें यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सी एन एक्स एन। दैट मीन्स यहाँ पर जो सी वन सी टू सी एन है, ये सारे कॉन्स्टेंट रहेंगे और एक्स वन एक्स टू एक्स एन हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स रहते हैं। यदि यहाँ पे जो हमारे पास कंस्टेंट या रेस्ट्रिक्शन दिए रहते हैं, इनमें यदि लेस देन और इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल होता है, तब ये इनइक्वलिटीज कहलाती हैं। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सिंबल चेंज कर कर हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, तब यही चीज़ें इक्वेशंस कहलाने लगती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कुछ नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एक्स वन एक्स टू एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स इनकी वैल्यू हर केस में यहाँ पर पॉजिटिव होती है। तो दोस्तों, ये है हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जनरल फॉर्म। अगर हमको कोई प्रॉब्लम इस फॉर्म में दी है तो हम उस पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो रिटर्न स्टेटमेंट में है, तब हम सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो फॉर्म होता है ये ही यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल कहलाता है। भाई फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स। फॉर्मुलेशन का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि जो भी हमको एक प्रॉब्लम रिटर्न स्टेटमेंट में दी हुई है, हम इसको एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे अब यहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम दी हुई है, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ए फर्म मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। दैट मीन्स हमको यहाँ पर दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं जो कि एक कंपनी यहाँ पे बना रही है। प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है ए एंड बी। सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ रेट 2 ऑन टाइप ए एंड रेट 3 ऑन टाइप बी। दैट मीन्स अगर हम ए टाइप के प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचते हैं तो हमको 2 का प्रॉफिट मिलता है, और अगर हम बी टाइप के प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हमको 3 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसीज्ड ऑन 2 मशीन जी एंड एच। दोनों प्रोडक्ट जब हमारे काम करते हैं तो वो 2 मशीन्स पर काम करेंगे। मशीन्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है जी और एच। इसके साथ दोस्तों लिखा हुआ है टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन जी एंड 2 मिनट्स ऑन एच। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ए है उसके लिए टाइम बताया गया है कि अगर वो जी मशीन पर काम करती है तो उसको 1 मिनट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो एच मशीन पर काम करेगी तो उसको 2 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पे बी के लिए दिया हुआ है कि अगर वो जी मशीन पर काम करे तब उसको 1 मिनट की ज़रूरत है, और अगर वो एच काम पर काम करे तब भी उसको 1 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। टाइप बी रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन जी एंड 1 मिनट ऑन एच। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, द मशीन जी इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 आवर्स 40 मिनट्स, वाइल मशीन एच इज अवेलेबल फॉर 10 आवर्स ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। यहाँ पर हमको दोनों मशीन जी और एच का अवेलेबल टाइम दिया हुआ है कि जो जे मशीन है वो 6 घंटे 40 मिनट के लिए अवेलेबल है, और जो एच मशीन है वो 10 घंटों के लिए अवेलेबल है। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज LPP। तो अब हमको इस पूरे जो रिटर्न स्टेटमेंट है इनका फॉर्मुलेशन करना है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स वन बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप ए। मीन्स अगर ए टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं तो हमने मान लिया कि वो एक्स वन नंबर में बन रहे हैं। इसी तरह टाइप बी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्स टू नंबर में बन रहे हैं। इसके अलावा जब हम इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसका ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल कुछ इस तरह से क्रिएट होगी। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ए और यहाँ लिखा हुआ है टाइप बी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। अब यहाँ पर मशीन्स भी हमारे पास 2, जी और एच। मशीन जी और एच जो है वो हमारे पास, जो मशीन जी है वो 6 घंटे 40 मिनट के लिए अवेलेबल है। अगर हम इस टोटल इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारा निकल कर आएगा 400 मिनट्स, और जो मशीन एच है वो 10 घंटों के लिए अवेलेबल है तो ये निकल कर आएगा 600 मिनट्स। तो ये हमने इनका अवेलेबल टाइम लिख लिया है। टाइप ए, जो ए प्रोडक्ट है वो मशीन जी पर 1 मिनट के लिए काम करता है,
और टाइप बी जो है वो मशीन जी पर 1 मिनट के लिए काम कर रहा है। इसी तरह जो टाइप ए है वो एच पर काम करेगा तो 2 मिनट के लिए करेगा, और जो टाइप बी है वो एच पर 1 मिनट के लिए काम करेगा। टाइप ए से जो हमको प्रॉफिट मिल रहा है वो 1 यूनिट का हमको 2 रुपये मिलता है। इसी तरह जो बी प्रोडक्ट है उस पर हमको 3 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब हम इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है कि अगर टाइप ए को हम सेल्स करते हैं तो उस पर हमको 2 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। हमने मान लिया है कि X1 जो है उसका नंबर है कि वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो अगर टोटल हम X1 यूनिट्स की सेल करते हैं तब तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 2X1। और इसी तरह अगर हम टाइप बी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो X2 यूनिट पर हमको प्रॉफिट मिलेगा 3X2। तो अगर हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जो हमको टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो होगा हमारा 2X1 प्लस 3X2। और ये जो प्रॉफिट होगा यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि हमको हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज चाहिए। तब हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया मैक्स जेड 2X1 प्लस 3X2। अब हम देखते हैं कि हमारे कंस्टेंट क्या क्या बन सकते हैं। अब यहाँ पे कंस्टेंट के बारे में अगर बात करें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो टाइप ए प्रोडक्ट है वो मशीन जी पर 1 मिनट के लिए, और जो टाइप बी है वो मशीन जी पर 1 मिनट के लिए अवेलेबल प्रोसेसिंग करेगा, और जो इनका अवेलेबल टाइम है वो 400 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं X1 प्लस X2 लेस देन इक्वल टू 400। मीन्स जो टोटल टाइम है दोनों का मिला के वो मशीन जी पर 400 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह हम सेकंड के लिए देख लेते हैं, तब ये सेकंड आएगा 2X1 प्लस X2। तो सेकंड हमारा हो गया 2X1 प्लस X2, और इन दोनों का जो टाइम है वो मशीन एच पर 600 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमको लिखना है लेस देन और इक्वल टू 600। तो दोस्तों ये हो गए हमारे यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स। अब अगर हम देखें तो X1 और X2 हमने ये मान के चले थे कि ये हमारे टाइप ए और टाइप बी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो कभी भी कोई भी फर्म नेगेटिव प्रोडक्शन तो करेगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आर X1, ये भी हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और इसी तरह X2 भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब इस पूरे को अगर हम समराइज करें तब हमारे पास जो जनरल फॉर्म है LPP का, या LPP हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है वो निकल कर आएगा मैक्स जेड इक्वल, फंक्शन हमारा बना है 2X1 प्लस 3X2। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स X1 प्लस X2 लेस देन और इक्वल टू 400, 2X1 प्लस X2 लेस देन और इक्वल टू 600, एंड X1 एंड X2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये है हमारे कंस्ट्रेंट्स, और ये है हमारा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन, और यही हमारा मैथमेटिकल मॉडल कहलाता है। तो आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो इसी फॉर्म में हमको सॉल्व करना रहता है। ओके दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे इसका सॉल्यूशंस। अगर दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।